आई एम स्टार्टिंग इट्स आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, बेटा बैकबोन को स्ट्रेट कर लीजिए और लेक्चर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। देखिए हमारी जिंदगी कितनी कीमती है, हमारी जिंदगी हमारे लिए कितनी कीमती है और हमसे ज्यादा हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए कितनी कीमती है ना, ये एक्चुअली बात कल समझ चुके। कल आपका कॉन्सेप्ट आपकी जिंदगी को सिक्योर्ड करना, लाइफ इंश्योरेंस आपकी जिंदगी को सिक्योर्ड करना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए हमारी इनकम, हमारी सेविंग्स, वो हमारी सोच हमारे फैमिली मेंबर्स के फ्यूचर के लिए रखना कितनी जरूरी है, ये आप कल लाइफ इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में, लाइफ इंश्योरेंस के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ चुके। बट बेटा जिंदगी में ना कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके उसूल होते हैं और ऐसे लोग अपने उसूलों के, द वर्ड उसूल, ऐसे लोग अपने प्रिंसिपल्स के बहुत पक्के होते हैं, बहुत तूफान आ जाए पर लोगों के उसूल नहीं टूटते। उसी तरह से आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी, चाहे भली वो लाइफ इंश्योरेंस की हो, चाहे भली वो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा जनरल इंश्योरेंस हो, दो टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं बेटा, एक होता लाइफ इंश्योरेंस और एक होता जनरल इंश्योरेंस। तो भली कुछ भी हो जाए पर आपके उसूल नहीं टूटेंगे, ये आपका मान्यता है, ये आपके प्रिंसिपल्स है। तो ये सिर्फ आपके प्रिंसिपल्स नहीं है, कंपनी के भी उसूल है। अगर उनके उसूलों के हिसाब से मौत हुई, उनके उसूलों के हिसाब से आग लगी, उनके प्रिंसिपल्स के हिसाब से फ्लड्स आई, उनके उसूलों के हिसाब से चोरी हुई, तो जाके आपको पैसे क्लेम में मिलेंगे, अदरवाइज आपको पैसे क्लेम में नहीं मिलेंगे। एक बार भी ये मैनिपुलेशन माइंड नहीं चलाना, मैं स्टूडेंट्स को नहीं कह रहा हूं, जर्नली बेटा एक बार भी ना किसी इंसान के ये मैनिपुलेशन माइंड में नहीं आना चाहिए कि हम कुछ ना कुछ रफा दफा कर देते हैं और इंश्योरेंस वाले हमें क्लेम करके देंगे, ऐसा नहीं होता है। इंश्योरेंस जो करके दे रहे, दीज पीपल्स आर कॉल्ड एज वेल नोन प्रोफेशनल्स, वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं और उन्हें इंश्योरेंस के उसूल, उन्हें इंश्योरेंस की पॉलिसीज, उन्हें इंश्योरेंस के एग्रीमेंट कंप्लीटली पता होते हैं। वो ऐसे ही आपको क्लेम में नहीं देंगे, क्लेम में देंगे बट कुछ शर्तों पे, उन शर्तों को कहा जाता है उसूल, प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस। स्टार्ट करो मैं आज का क्वेश्चन, देखिए कंसंट्रेशन कीजिए लिटिल बिट, बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नॉलेज लेके रहेगा, बट कंडीशन ये कि आपका 100% फोकस होना चाहिए, आपका 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो बात सुन के भी अनसुनी लगेगी, समझने की बात भी ना समझ वाली लगेगी। प्लीज देखिए स्टार्ट करो, डिफाइन द इंश्योरेंस एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ द इंश्योरेंस, ये हमसे पूछ रहे इंश्योरेंस बताइए और उसके अलग अलग टाइप्स। नंबर वन इंट्रोडक्शन, मॉडर्न लाइफ इज अ फुल ऑफ द रिस्क एंड द अनसर्टनिटीज, कभी कुछ भी हो सकता है, किसी भी ना अपनी जिंदगी की पता नहीं है, कभी कुछ भी हो सकता है, दुकान पे आग लग सकती है, किसी इंसान की मौत हो सकती है, कभी फ्लड्स आ सकती है, कभी गुड्स चोरी हो सकती है, कुछ भी। हमें अपने जिंदगी के लिए नॉट अ सिंगल पर्सन हमें पता हो, कुछ भी नहीं। एवरी बिजनेसमैन टुडे हैज टू फेस द वन एंड द अनदर काइंड ऑफ द रिस्क, एक ना एक रिस्क तो पक्का है। बिजनेस यानी कि रिस्क, रिस्क इज द डाउन पेमेंट ऑफ सक्सेस, रिस्क रखो और सक्सेस उठाओ। एक्टवा रखो यानी कि एक्टवा के लिए 10,000 रखो और एक्टवा की चाबी उठाओ, तो उसी तरह से रिस्क इज द डाउन पेमेंट फॉर द बिजनेस, फॉर द सक्सेस। These risks and uncertainties can be avoided. हो सकता है, quite possible बेटा, ये भी हो सकता है कि जो risk है, जो uncertainties है ना, आप किसी और पे चढ़ा दो, किसी और के shoulder पे रख दो। किसके shoulder पे रखोगे? Company के। आप अपनी risk company के shoulder पे रखो और आपकी जिंदगी बहुत आसानी से गुजरेगी। कंडीशन एक, आपको कुछ पैसे चुकाने होंगे, कुछ पैसे भरने होंगे और उन पैसों को कहा जाता है प्रीमियम। आगे एटलीस्ट मिनिमाइज्ड बाय शिफ्टिंग, किसी और के शोल्डर पे रख दो, शिफ्टिंग देम टू द प्रोफेशनल एजेंसीज कॉल्ड एज इंश्योरेंस कंपनीज। आगे द टर्म इंश्योरेंस मींस टू कवर, जिंदगी को प्रोटेक्ट करके रखो, टू कवर यानी प्रोटेक्ट अगेंस्ट द रिस्क लॉसेस ड्यू टू द फायर, ड्यू टू द एक्सीडेंट, ड्यू टू द डेथ, ड्यू टू द फ्लड्स, ड्यू टू द थेफ्ट। कितनी सारी जिंदगी में रिस्क है, तो ये बेटर है रिस्क आप उठाओ ही नहीं, रिस्क उठाने के लिए कंपनी बनाई गई है।
Again and so on. It is noted that there are the two categories of the risk. एक risk वो होती है जिसे हम झेल सकते हैं, जिसके लिए compensation मिल सकता है, और एक risk होती है मौत की, जिसके लिए पैसे तो दिए जाएंगे पर उसकी कोई guarantee नहीं होती कि उसे कोई बचाया जाए. आगे agree to take the risk and compensate in the loss cases it arises. It charges the small amount. आपसे थोड़े पैसे लिए जाएंगे, प्रीमियम कहते हैं उसे, प्रीमियम जो आप प्राइस पे करोगे. मैंने कल के लेक्चर में सिखाया था बेटा, जो आप प्राइस पे करोगे, पी फॉर प्राइस, उसे कहते हैं पी फॉर प्रीमियम. अपनी पॉलिसी के लिए, चाहे भली वो एवरी मंथ हो या चाहे भली वंस इन अ ईयर हो, वो आप पे विश करता है, वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन स्टेबल हो तो जैसे आपको डिसीजन समझ में आए. The insurance company is known as a insurer. INSURER. ER यानी के insurer. ED यानी के वो बंदा, वो आदमी जिसका insurance किया जा रहा है. फिर से insurer. INSURER यानी company. Insured यानी के वो person जिसकी policy की चुकी है, जिसके नाम पे 50 लाख रुपए राम के नाम पे, तो राम insured आदमी है. गारंटी राम की, राम को कुछ हुआ उसके फैमिली मेंबर्स को कंपनी संभालेगी, कंपनी 50 लाख देगी कुछ प्रिंसिपल्स के बाद, कुछ उसूलों के बाद. देखिए, द पर्सन हुज रिस्क इज कवर्ड नोन एज इंश्योर्ड. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द रिटन एग्रीमेंट, बाकायदा एग्रीमेंट बनाया जाता है बेटा, एग्रीमेंट बनाया जाता है, स्टैंप ड्यूटी लगाई जाती है ऑफिशियली गवर्नमेंट के, वहां पे अटेस्टेशन की जाती है. Agreement between them is known as a policy. जो दोनों के बीच में, कंपनी के बीच में और पॉलिसी होल्डर, राम के बीच में और कंपनी के बीच में जो एग्रीमेंट होगा उसे कहेंगे पॉलिसी. बेटा डेफिनेशन दो दिए गए हैं, आउट ऑफ द टू डेफिनेशंस मैं दोनों डेफिनेशंस प्रेफर कर रहा हूं, थोड़े से लेंथी होंगे पर मैं रीड जरूर करूंगा, उसे मीनिंग जरूर समझाऊंगा उसकी अच्छे से. देखिए, नंबर वन, फर्स्ट डेफिनेशन, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस मे बी डिफाइंड एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज. ये एक कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लिखावत, पेपर पे लिखा गया, साइन किया आपने, कंपनी ने साइन किया, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट है. अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टू पार्टीज, एक राम इंश्योर्ड पर्सन, INSURED इंश्योर्ड पर्सन, एक कंपनी LIC Life Insurance Corporation Insurer 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 यानी कि कंपनी, Insured पॉलिसी होल्डर यानी कि मिस्टर राम. आगे, a contract between the two parties where the insurer agrees to pay. कंपनी कह रही है मैं 50 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं. Agrees to pay the insured certain sum of money. Certain यानी वो अमाउंट, जितना आप कहोगे, 50 लाख कहोगे, 5 लाख कहोगे, 5 करोड़ कहोगे, 50 करोड़ कहोगे, जितना आप प्रीमियम भर सकते हो उतना करोड़ का इंश्योरेंस करो. आगे, certain sum of the money on the happening of, अगर हुआ तो, happening of a certain events, death का हो, floods का हो, fire का हो, चोरी theft का हो, events to agrees, मानते हम to indemnify, guarantee to pay, दावे के साथ, दावा देते हैं आपको, आपके पैसे आपके घर तक पहुंचाएंगे, लिख के देंगे, स्टैंप लगा के देंगे, to indemnify the insured, जिसकी मौत हुई है, जिसके साथ चोरी हुई है, जिसके दुकान पे फ्लड्स आई है, जिसके गोडाउन में आग लगी है, insured और the assured एक ही वर्ड है, from the loss, उस नुकसानों से, arising from the certain specific events, जो events पहले ही बताए गए थे, death के लिए जो events पहले ही लिखे गए थे, fire के लिए जो events पहले ही लिखे गए थे, floods के लिए etc. ये आपका फर्स्ट डेफिनेशन था. ब्लीमी, बहुत दिल से बताया मैंने और बहुत मीनिंग क्लियर बताई एकदम. सेकंड, अकॉर्डिंग टू द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, ये लीनियर है, सिंपल, जस्ट टू लाइंस, वन एंड हाफ लाइन. इंश्योरेंस डिफाइंड एज अ प्रोविजन, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कोई कानून, अ प्रोविजन यानी कोई कानून हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, व्हिच अ प्रूडेंट मैन, एकदम सच्चा आदमी, अच्छा आदमी और सच्चा आदमी, लीगल वर्ड्स में कहते हैं प्रूडेंट, एकदम सही और सच्चा आदमी, मेक्स अगेंस्ट,
द इनवाइटेबल कॉन्टीजेंसी, उससे पैसे मिलेंगे, उसकी रिस्क दूर होगी। किन बातों से? जिन बातों का उससे भी नहीं पता, जिन तकलीफों का उससे भी नहीं पता, जिन तकलीफों को तो हम नौता भी नहीं दे रहे, जिन्हें हम नौता नहीं देते ना, उन्हें कहते हैं इनवाइटेबल। मैंने तो इनवाइट भी नहीं किया डेथ को, मैंने तो आपको इनवाइट भी नहीं किया था। इनवाइटेबल कॉन्टीजेंसी, देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेंस। बेटा कुछ उसूल होंगे कंपनी के, यूं ही आपको 50 लाख मिल जाए ऐसे नहीं होगा, कुछ उसूल होंगे। नंबर वन, नंबर वन की बात करें ना, तो नंबर वन आपका जो प्रिंसिपल है वो सारे सब पे डिपेंड हो रहा है। देखिए प्रिंसिपल्स है ना जो सब पे डिपेंड हो, पर मोस्टली जो नंबर वन है ना, मैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए कहना चाहूंगा, अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस करा रहा हूं तो मेरे ऊपर वो उसूल लागू होगा, नहीं तो मेरे घर वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। अगर राम ने लाइफ इंश्योरेंस कराया तो राम के घर वालों पे उसूल लागू होगा, नहीं तो राम के घर वालों को पैसे नहीं मिलेंगे। देखिए प्रिंसिपल्स ऑफ द आउटमोस्ट एकदम 100% गुड फेथ, एकदम सही विश्वास होना चाहिए। देखिए कैसे सही विश्वास, पूरा विश्वास कैसे, देख लो बेटा राम, मैंने कल डिस्कस किया था राम के साथ, आज भी राम, राम हम में फंस गए, सही बताऊं हमसे फंस गए, मतलब राम कहेगा कि मेरा नाम छोड़ी नहीं है। एक सेकंड विल बी कंटिन्यू। बेटा राम ने ना अपने फैमिली मेंबर्स की बहुत सोची, उस बेचारे को अपनी बेटी की, उस बेचारे को अपनी बेटी की, बेटा बेटी काफी टेंशन है और अपनी फैमिली मेंबर्स का बहुत टेंशन। तो राम ने एक पॉलिसी निकलवाई, पॉलिसी को एक्सेप्ट किया और 50 लाख की पॉलिसी डिसाइड की और इसके लिए प्रीमियम भरना स्टार्ट किया। एक महीना गुजरा, दो महीने गुजरे, छह महीने गुजरे, राम कंटिन्यू प्रीमियम भरता आ रहा है फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स, 30 साल तक। बट राम ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी, जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। बेटा प्रीमियम भरते 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 5 साल गुजर गए, प्रीमियम भरते 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 5 साल गुजर गए, एक दिन राम की अचानक से मौत हो गई और उस मौत पे डॉक्टर ने बताया उसे, कि जिस टाइम पे इसने पॉलिसी निकाली है उससे पहले भी राम को कार्डिक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक आ चुका था और उसने ये हार्ट अटैक, फर्स्ट हार्ट अटैक, फर्स्ट कार्डिक अरेस्ट कंपनी वालों को नहीं बताया था जानबूझ के। वो दिल का बहुत कमजोर आदमी था, उसे कार्डिक अरेस्ट माइनर आ चुका था, ये बात उसने छुपा के रखी थी और उसे पता था आज नहीं तो कल, एक साल नहीं तो दो, दो नहीं तो पांच, 5 साल के बाद सच में भी राम चला गया। पर कंपनी वाले उसके पैसे, उसके 50 लाख उसके फैमिली मेंबर्स को नहीं भर के देंगे। सर ऐसे क्यों, ये तो गलत है ना, राम ने तो 5 साल तक प्रीमियम भरा है। बेटा राम ने प्रीमियम नहीं भरा, राम ने कंपनी वालों को ब्लाइंड बनाया। राम को अच्छे से पता था कि मुझे कार्डिक अरेस्ट आ चुका है, उसने पॉलिसी के टाइम पे अपने हेल्थ चेकअप के टाइम पे पूरी हेल्थ को चेक किया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस के टाइम पे पूरी बॉडी को फिजिकली मेंटली चेक किया जाता है कि कहीं कोई तकलीफ तो नहीं हो, और उससे पूछी जाती है कि आपके पास अगर पहले की कोई रिपोर्ट्स है तो आप जरूर बताइए। राम ने जानबूझ के डेलिब्रेटली उन्हें ये नहीं बताया कि मुझे कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक माइनर आ चुका है और डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी डेंजर जोन में रखा है कि आप 1 साल 2 साल में आपको तकलीफ और भी बढ़ सकती। 2 साल के बाद, 5 साल के बाद राम को अरेस्ट फिर आया, कार्डिक अरेस्ट हार्ट अटैक फिर आया और उसकी डेथ हो गई। उसकी लाइफ इंश्योरेंस के पैसे, उसकी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी एकदम इलीगल है क्योंकि राम ने फेथ नहीं रखा, राम ने विश्वास नहीं रखा कंपनी पे। कंपनी को सारे मटेरियल्स, सारी बातें, सारी तकलीफें डिस्क्लोज नहीं की, यानी राम की पॉलिसी झूठी थी। उसे कहते प्रिंसिपल ऑफ आउटमोस्ट, आप पूरा भरोसा रखिए और सब सच कुछ दिल से सच्ची बताइए। लोगों को दिल का ना सच्चा होना बहुत जरूरी है, बातें छुपाओ नहीं, सच्ची दिल से बताओ कि पहली बार अटैक आ चुका है, 2 साल पहले की बात है, ये रिपोर्ट्स है, ये बॉम्बे हॉस्पिटल ने मुझे लिख के दिया है कि मैं डेंजर जोन में हूं। उसके बाद अगर कंपनी पॉलिसी एक्सेप्ट कर रही है यानी वो पॉलिसी लीगल है, यानी वो पैसे लीगल है, यानी वो टर्म वो वैलिड है।
रीड कर रहा हूं मैं, मुझसे जितना हुआ बेटा एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया, फिर भी आप लेक्चर को रीपैक बैक जाके फिर से सुन सकते हैं, पॉज कर सकते हैं अगर फास्ट लग रहा है, या तो प्ले बैक अगेन कीजिए स्टार्टिंग से सुनने के लिए समझने के लिए। देखिए बोथ पार्टीज द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, इंश्योर्ड राम इंश्योरर कंपनी मस्ट हैव द आउटमोस्ट गुड फेथ, एक दूसरे में बहुत विश्वास होना चाहिए। राम को कंपनी पे विश्वास नहीं था, राम ने कंपनी से झूठ कहा, राम ने कंपनी से बातें छुपाई टुवर्ड्स द ईच अदर इन द रेस्पेक्ट ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योर्ड मस्ट प्रोवाइड द इंश्योर कंप्लीट इंश्योर्ड, राम अपनी कंपनी को कंप्लीट करेक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, थ्री सीज, राम अपनी कंपनी को 3C बता दे, कंप्लीट करेक्ट और क्लियर इंफॉर्मेशन बता दे कि भाई मैं पहले ही मरीज हूं पहले ही डेंजर जोन में हूं। तो ये बात दिल खोल के उसने बताई, ये होता है सच्चा इंसान, ये सच्चा इंसान होना चाहिए। आगे इंफॉर्मेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस, द इंश्योरर कैन अवॉइड हिज लायबिलिटी टू पे द कॉम्पेंसेशन, उसके बाद कंपनी उसकी पॉलिसी नहीं एक्सेप्ट करती, या तो टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्ट करती कि आप तो ऑलरेडी मेहमान हो, आप ऑलरेडी मेहमान हो, आपको डेंजर जोन में रखा गया, उसके बावजूद आप पॉलिसी निकाल रहे हैं, यानी आप हमारे साथ धोखा कर रहे हो, 30 साल के पैसे न भर के 2 सालों में 4-5 सालों में 50 लाख पाना चाहते हो, ये तो चीटिंग है ना। आगे नेक्स्ट, उसके बाद द इंश्योर कैन अवॉइड दिस लायबिलिटी टू पे द कॉम्पेंसेशन, हम आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे इफ द सर्टेन मटेरियल फैक्ट्स वर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर कुछ मटेरियल कोई फैक्ट नहीं बताया जैसे राम ने नहीं बताया तो आपकी पॉलिसी एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, आपकी पॉलिसी के पैसे नहीं देंगे। आगे द अश्योर्ड डस नॉट डिस्क्लोज द प्रीवियस हार्ट अटैक, गलत बात है, इफ द अश्योर्ड डाइज विद इन द अनदर हार्ट अटैक आफ्टर द इंश्योरेंस पॉलिसी द कंपनी मे रिफ्यूज, हम एक रुपया नहीं देंगे आपके घर वालों को टू पे द क्लेम, दिस प्रिंसिपल ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस लाइफ फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, मोस्टली जो एग्जांपल था वो सूटेबल लाइफ इंश्योरेंस पे था। नेक्स्ट, उसके बाद देखो बेटा, उसके बाद सेकंड क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देखो अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, माय वर्ड्स, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है, हमें अपनी प्रॉपर्टी बेटा वो प्रॉपर्टी जो अनमोल है, हमारी जो हेल्थ है ना, हमारी जो बॉडी है ना, वो सच बताओ वो अनमोल है, वो पैसों की कीमत में, पैसों के वैल्यू में आने वाली में नहीं, 50 लाख पूरे शरीर के लिए, 50 लाख जीवन के आगे कुछ भी नहीं होते, आपको अपनी हेल्थ में, आपको अपनी प्रॉपर्टी में, आपको अपने गोदाम में, आपको अपने गुड्स में पूरा का पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप केयरलेस हो, कोई ऐसी बात आपने इग्नोर की है जो टर्म और कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखी गई है कि इग्नोर नहीं करनी है, तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने इंश्योरेबल इंटरेस्ट, वो जुनून, वो जोश, वो अटैचमेंट अपने हेल्थ की तरफ, वो एक लगाव अपने प्रॉपर्टी की तरफ, वो लगाव अपने स्टॉक गुड्स की तरफ, दुकान की तरफ नहीं दिखाया, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। उसे कहते प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। देखो ना, छोटे बच्चों से एक्चुअली सीखना चाहिए बेटा, छोटे बच्चे जब स्कूल में होते हैं ना, किड्स सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड स्टैंडर्ड में, फोर्थ स्टैंडर्ड में, सेकंड थर्ड फोर्थ जो आप, तो उन्हें अपने पेंसिल से और रबर से, अपने ज्योमेट्री बॉक्स से बहुत ज्यादा लगाव होता है, मतलब कोई मांगे सवाल ही नहीं कि दे, नहीं लिखो पूरा लेक्चर रह जाए, हम अपनी पेंसिल नहीं देंगे, मैं नहीं दूंगा अपनी पेन, तो मैं पेन नहीं दूंगा क्यों, इट्स माय इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मुझे नहीं पसंद मैं किसी को पेन दूं, मुझे नहीं पसंद मेरी कोई पेंसिल यूज करे, ये क्या है, ये लगाव इतना ज्यादा। यस, वो छोटे बच्चे का लगाव अपनी हेल्थ में रखो, वो छोटे बच्चे का लगाव अपनी प्रॉपर्टी में रखो, वो छोटे बच्चे का लगाव अपने गोडाउन में, गुड्स में रखो, उसके बाद अगर उसके अलावा भी कुछ हुआ 100% आपको क्लेम जरूर अप्रूव मिलेगा एज माय लीगल वर्ड्स। देखो रीड करो मैं इस बातों को भी, द इंश्योर्ड पॉलिसी होल्डर मिस्टर राम शुड हैव द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर, वो हेल्थ के लिए यानी कि लाइफ के लिए, गुड्स के लिए,
प्रॉपर्टी के लिए सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इट मींस द इंश्योर्ड शुड स्टैंड इन अ सच रिलेशन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस दैट ही सफर्स अ फाइनेंशियल लॉस बाय डिस्ट्रक्शन नुकसान के बाद अगर डूब गए और फाइनेंशियली बेनिफिटेड बाय डिस्ट्रक्शन इट्स बेनिफिटेड बाय सेफ्टी उसके सेफ्टी के खिलाफ नहीं हो जाने वो सेफ्टी के साथ होना चाहिए द फॉलोइंग केसेस ऑफ द इंश्योरेबल जैसे तो सिंपल बताया सिंपल पर्सन हैज मस्ट द इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज ओन लाइफ अपनी जिंदगी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए अपनी प्रॉपर्टी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए अ वाइफ हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ ऑफ हर हस्बैंड एक पत्नी को पति की जिंदगी में बहुत ध्यान देना चाहिए एक पति को पत्नी की जिंदगी में ध्यान देना चाहिए नेक्स्ट उसके साथ ही लिखा हुआ है बिजनेसमैन को गुड्स की तरफ क्रेडिटर को क्रेडिट डेटर्स की तरफ पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स की तरफ आगे थोड़ा सा आगे बढ़ूं बेटा देखो थर्ड नेक्स्ट थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं बेटा मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी देखिए इंडेमनिटी यानी क्या द वर्ड इंडेमनिटी गारंटी पे गारंटी दे रहे हैं कि आपके पैसे आपको भर के देंगे अगर आपकी शिप मरीन इंश्योरेंस के थ्रू यानी आपकी शिप अगर सी में डूब गई समंदर में डूब गई तो गारंटी दे रहे हैं कि आपके गुड्स का जितना नुकसान हुआ है आपने जितनी पॉलिसी कराई है वो पैसे भर के देंगे अगर आपके शॉप पे आग लग गई तो फायर इंश्योरेंस के थ्रू आपके पैसे भर के देंगे अगर आपके शॉप पे चोरी हो गई तो चोरी के थ्रू वो गुड्स जो आपके बर्बाद हो चुके जो गुड्स आपके लॉस्ट बाय थेफ्ट हो चुके वो गुड्स भर के देंगे या उसके पैसे भर के देंगे बट द वर्ड बट मर चुका आदमी वापस नहीं ला के दे सकते बेटा जो आदमी चल चुका है राम की अगर डेथ हो चुकी है तो राम के डेथ में राम को वापस नहीं लेके आ सकते ज्यादा से ज्यादा राम के फैमिली को 50 लाख देख सकते इट मींस के प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी फायर इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है फ्लड्स पे एप्लीकेबल है मरीन इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल है बट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी लाइफ इंश्योरेंस पे एप्लीकेबल नहीं है देखो ना बेटा जिंदगी की कीमत 50 लाख या 5 करोड़ नहीं हो सकती हमारी जिंदगी आपकी जिंदगी अनमोल है अनमोल चीजों की कोई भी पैसों में कीमत नहीं होती उसे नापा तोला नहीं जा सकता रीड कर रहा हूं मैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी देखिए इंडेमनिटी मींस अ गारंटी और अश्योरेंस लिख के दे रहे बाकायदे आपको एग्रीमेंट बना के दे रहे पेपर पे एग्रीमेंट आपको रिटन सिग्नेचर के साथ दे रहे इट मींस अ गारंटी और अश्योरेंस टू पुट द इंश्योर्ड इन द सेम पोजीशन व्हिच ही वाज यानी बिजनेस आपका इमीडिएटली प्रायर यानी कि बिफोर द हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट्स आपका स्टॉक 50 लाख का था पूरा स्टॉक भर के देंगे आपकी शिप में गुड्स 5 करोड़ के थे 5 करोड़ के गुड्स वापस लेके देंगे बट राम को वापस नहीं लेके आ सकते मैं अगेन ये सेकंड टाइम इस पॉइंट पे कह रहा हूं राम को वापस नहीं लेके आ सकते उसके फैमिली को पैसे दे सकते प्रिंसिपल्स ऑफ इंडेमनिटी इज एप्लीकेबल टू दैट जनरल इंश्योरेंस मरीन इंश्योरेंस फायर इंश्योरेंस एक्सेट्रा देखिए The insurer undertakes to make the good the loss. वो loss को आपको benefit में convert करके देगा. नुकसान को झेलेगा. पैसे आपको भर के देगा. आपके रखे हुए goods जो जल चुके वो खुद ले लेगा. आपको new goods भरा के देगा. New stock भरा के देगा. या quite possible आपके stock के पैसे भर के देगा. आगे the principles of indemnity is applicable to the fire insurance, marine insurance. जनरल इंश्योरेंस आगे इट इज नॉट एप्लीकेबल टू द लाइफ इंश्योरेंस जिंदगी की कोई कीमत हो ये हमने नहीं सुना जिंदगी कभी नापी तोली नहीं जा सकती बिकॉज द लॉस ऑफ द लाइफ कैन नेवर बी मेजर्ड इन द मॉनिटरी टर्म्स अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योरेंस यानी कि कंपनी एग्रीज टू पे द कॉम्पेंसेशन इज द लिमिटेड टू द अमाउंट इंश्योर्ड जितने की पॉलिसी कराई थी उतना भर के देंगे और द एक्चुअल लॉस विच एवर इज लेस 50 लाख की पॉलिसी कराई थी नुकसान हुआ 20 लाख का 20 लाख भर के देंगे 50 लाख की पॉलिसी कराई थी नुकसान हुआ 70 लाख का तो 50 लाख भर के देंगे विच एवर इज लेस नेक्स्ट पे आ रहा हूं बेटा फोर्थ देखो क्या होता है सुनो ध्यान से आपको प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन में समझा रहा हूं एक एग्जांपल
बेटा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं ना, जो चीजें शिप्स के थ्रू मरीन इंश्योरेंस यानी कि समंदर के थ्रू एक कंट्री से लेके दूसरे कंट्री तक लाई जाती है ना, वो चीजें काफी कॉस्टली होती है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिंपल। अज्यूम कीजिए कि मैं एप्पल कंपनी का इस कंट्री का डीलर हूं, यानी इंडिया में अगर एप्पल कंपनी की मोबाइल आई तो वो पूरी एजेंसी मेरे हाथ में, यानी एप्पल्स आज इंडिया में बिक रही है तो उसे पूरी कंट्री के लिए मैंने डीलिंग की है, मेरी फर्म एप्पल्स की मोबाइल परचेस करती है और इंडिया में डिस्ट्रिक्ट वाइज स्टेट वाइज कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करती है, मैं एप्पल कंपनी का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर हूं, वाधवा कंपनी, वाधवा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स। अज्यूम कीजिए बेटा, अज्यूम कीजिए कि हमने अमेरिका में से 200 करोड़ की मोबाइल्स मंगाई, पूरी इंडिया की बात कर रहा हूं, मैं उल्लासनगर की नहीं कह रहा हूं बेटा, दिमाग से सोचो इंडिया कितना बड़ा है और उल्लासनगर उसके सामने डॉट है, सिर्फ डॉट, जस्ट अ डॉट। 200 करोड़ की हमने मोबाइल इंपोर्ट की है, अमेरिका से मंगाई है। अब अगर वो शिप पानी में डूब चुकी है, शिप पानी में डूब गई तो 200 करोड़ रुपया अगर एक कंपनी भर के देगी ना तो वो कंपनी भी बर्बाद हो जाएगी, वो कंपनी भी डूब जाएगी, क्योंकि 200 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, 200 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत ज्यादा बड़ी रकम है। तो ऐसे करते हैं, हाथ में हाथ मिलाते हैं। इट मींस कि चार कंपनियों ने, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, चार कंपनियों ने मिला के 200 करोड़ की पॉलिसी साइन की है, यानी कि मैं जिस कंपनी को प्रीमियम पे करता हूं ना वो चार कंपनी है, 1:1:1:1, 200 करोड़ के पीछे, बिहाइंड 200 करोड़, 200 करोड़ के पीछे। अगर बेटा पूरे साल का मैं 10 करोड़ रुपया प्रीमियम पे कर रहा हूं, आई एम टेकिंग एज एन एग्जांपल, पूरे साल के पीछे मैं 10 करोड़ रुपया इंश्योरेंस पे कर रहा हूं तो 10 करोड़ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन में जाएगा, 10 करोड़ रुपया प्रीमियम का किसी एक कंपनी को नहीं जाएगा, 2.5 करोड़ रुपया ए कंपनी, 2.5 करोड़ रुपया बी कंपनी, 2.5 करोड़ सी कंपनी, 2.5 करोड़ डी कंपनी, यानी 10 करोड़ को अगर मैं चार टुकड़ों में करूं तो 2.5 करोड़ ए, 2.5 बी, 2.5 करोड़ सी, 2.5 करोड़ डी। सर आपने प्रीमियम चार कंपनी में क्यों तोड़ा? बेटा अगर शिप डूब गई, इन केस अगर शिप का कोलिजन एक्सीडेंट हो गया और शिप डूब गई तो 200 करोड़ कोई एक भर के नहीं देगा मुझे, 50 करोड़ एक कंपनी यानी कि ए, 50 करोड़ बी कंपनी, 50 करोड़ सी कंपनी, 50 करोड़ डी कंपनी। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। खास करके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के जो ऑर्डर्स होते हैं ना बेटा, वो काफी ज्यादा हैवी अमाउंट के होते हैं और हैवी अमाउंट के ऑर्डर्स कोई एक कंपनी नहीं ले सकती, इसके लिए मिल बांट के खाओ, द वर्ड मिल बांट के खाओ कंट्रीब्यूशन। देखिए रीड कर रहा हूं मैं अच्छे से, नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल्स ऑफ कंट्रीब्यूशन लिखा हुआ है, रीड कर रहा हूं, द प्रिंसिपल्स ऑफ द कोरोलरी इज द प्रिंसिपल ऑफ द इंडेमनिटी। इन्होंने क्लियरली बताया है कि हम आपके सारे पैसे भर के दे रहे हैं, आगे इट इज एप्लीकेबल टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द इंडेमनिटी वेयर एज द इंश्योर्ड हैज टेकन आउट मोर देन वन पॉलिसी इन द सेम सब्जेक्ट। मैंने एक पॉलिसी से ज्यादा निकाला है, चारों कंपनियों के साथ पॉलिसी है, मैटर एक ही है। अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड कैन क्लेम द कॉम्पेंसेशन द एक्चुअल लॉस सफर, जितना नुकसान हुआ उतना मुझे चारों कंपनियां मिलकर भर के देंगी। आगे इफ द इंश्योरेंस कंपनी मीटिंग द क्लेम इन फुल द कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर इंश्योरर इन प्री डिटरमाइंड रेशियो, यानी मुझे जो पैसे भर के देंगे, एक एग्जाम्पल 200 करोड़ तो वो 200 करोड़ रुपया बेटा कोई एक कंपनी नहीं भर के देगी, वो 200 करोड़ चारों कंपनी मिलकर देगी। क्यों ऐसे क्यों? देखो ना, 200 करोड़ का लोट बहुत है, रकम बहुत बड़ी है, मुझे भर के देंगे या इंपोर्टर की कंपनी को भर के देंगे, डूब जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी,
तो 50 करोड़ तो प्रीमियम भी 2.5 करोड़। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, मिल बांट के खाओ और मिल बांट के भर के भी दो। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ वन स्टार्ट कर रहा हूं मैं, फिफ्थ पॉइंट आपकी प्रिंसिपल्स ऑफ सप्रोगेशन। सप्रोगेशन मींस टू टेक द प्लेस ऑफ, ध्यान से देखो मिस्टर सुनील। बेटा मिस्टर सुनील काफी शौकीन आदमी, उसे घूमने का बहुत शौक है और मिस्टर सुनील अपने दोस्तों के साथ अपनी न्यू इनोवा क्रिस्टा में शिरडी जा रहा है। शौकीन आदमी है, घूमने का शौक है और भगवान के पास जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। पर बेटा न्यू इनोवा क्रिस्टा का उसका 25 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया हुआ है, टेंशन नहीं है, नई नई गाड़ी लेके जा रहा है, 25 लाख रुपए का उसका इंश्योरेंस किया हुआ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे सुनील रास्ते से जा रहा था, बाय मिस्टेक अनफॉर्चुनेटली उसका ट्रक के साथ एक लॉरी ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और सुनील की इनोवा कंप्लीटली डैमेज्ड हो जा रही है, एकदम खत्म, मोर देन 80% डैमेज, यानी उसकी रिपेयरिंग हो ही नहीं सकती। तो कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी सुनील की इनोवा ले लेगी, जो पुरानी गाड़ी थी वो कंप्लीट ले लेगी और उसे 25 लाख के जितना उसके कार की जितनी वैल्यू थी उसे उतना कंपेंसेशन भर के देगी। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन यानी क्या, जो सुनील की गाड़ी डैमेज हुई, जो इनोवा कार डैमेज हुई 80% से ज्यादा 90% से ज्यादा जितनी भी हुई, वो पुरानी कार वो ले लेगी। अगर उसे क्लेम भर के दिया तो वो कार के पैसे जो रद्दी में बेचते ना रद्दी में, वो खुद ले लेगी और बाकी उसे क्लेम के पैसे देगी। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। देखो रीड करो, इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द कोरोलरी। कोरोलरी यानी क्या, लॉजिकली बात है, द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। द सब्रोगेट मींस टू टेक द प्लेस ऑफ, उस जगह से वो ले लेना। दिस प्रिंसिपल कम्स इनटू ऑपरेशन आफ्टर द क्लेम हैज बीन सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। इन अदर वर्ड्स द कंपेंसेशन इज पेड फॉर द टोटल लॉस। सुनील का टोटल नुकसान कितना हुआ, सुनील का नुकसान हुआ 22 लाख रुपए, इंश्योरेंस 25 का था, सुनील का नुकसान हुआ 22 लाख रुपया, तो 22 लाख रुपया उसे पे करके दे। आगे नेक्स्ट देखो, इट मींस सेटल्ड बाय द इंश्योरेंस, इन अदर वर्ड्स पेड फॉर द टोटल लॉस, ऑल राइट्स इफ द इंश्योर्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस ट्रांसफर टू द इंश्योरर। बाकी के सारे हक, बाकायदे कार की चाबी, वो कार, सब कुछ, कार का मटेरियल जो अच्छा भी है 80% से ज्यादा, यानी जो 10% 20% जितनी भी बची पूरी कार की डैमेज बॉडी को सब कुछ छोड़ के, सब कुछ वो कंपनी ले जाएगी। आगे एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है, वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्यों ऐसे क्यों किया जाता है, देखो ना बेटा, देखो रद्दी होती है ना, रद्दी बंगाल वाले को जो बेचते हैं ना उसकी भी वैल्यू होती है। इतनी भरी आप स्टील की कार बंगाल वाले को बेचोगे ना तो कम से कम 1 लाख रुपया तो आपको मिनिमम मिलेगा। 1 लाख भी वो बंगाल में, 2 लाख रुपया भी वो बंगाल में जो कार बिकेगी ना वो कंपनी वाले ले लेंगे, और जो आपको 22 लाख भर के देंगे ना, ये 22 लाख में वो 2 लाख ऐड करके देंगे, यानी कि 20 अपने और 2 लाख बंगाल के जो मिले उससे मिला के 22, उनका तो फायदा हुआ ना, उनका फायदा हुआ। जो कंप्लीटली डैमेज्ड मटेरियल का पैसा मिल रहा है उनके पैसे वो भी सीधा पॉकेट में जा रहे हैं। नहीं समझा आपने, देखिए फिर से समझा रहा हूं बेटा, कार कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है, उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख रुपए है, टोटली बंगा, मार्केट वैल्यू में आपको बेचने नहीं देंगे। आपकी कार की पॉलिसी है, इट मींस कार की चाबी छोड़ो और सीधा घर जाओ, चाबी छोड़ो, कार हमारे नाम पे, हम उसके मालिक हैं, आपके घर पे उस पॉलिसी के पैसे आ जाएंगे। और जो कार रद्दी में बेची जाएगी, जो कार बंगाल में बेची जाएगी, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। वो बंगाल के पैसे भी कार की कंपनी उठा के जाएगी, उसका हक है उस पे, और उन्होंने कंप्लीटली वो टर्म्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स में लिख के रखा है। रीड कर रहा हूं मैं आगे देखो, इट मींस द कार एक्सीडेंट्स विद एन एक्सीडेंट बाय फॉल्टी लॉरी ड्राइवर, ट्रक वाले की गलती थी। If the car is completely damaged,
The insurance company might pay him, जो example के amount लिखा हुआ है, on indemnity fine the insured, the insurer यानी कि company, the insurer can sell the remaining car, जो 10% car बची है ना, जो रद्दी में बेच रहा, जो 1 लाख रुपए मिलेगा, जो रद्दी में से 2 लाख मिलेगा, वो 2 लाख सीधा किसके pocket में? Company के pocket में, उसे कहते हैं principle of subrogation. It can reduce its loss. कंपनी अपना नुकसान को कम करे. इंश्योरेंस कंपनी हैज आल्सो राइट टू यूज द लॉरी ड्राइवर फॉर कॉम्पेंसेशन. वो अलग बात होगी, बाद में वाली कॉम्पेंसेशन यानी लॉरी ड्राइवर पे केस करे या कुछ भी करे वो ठीक है, एक्स्ट्रा. देखो बैठ नहीं जाना है, सिंपली बेटा आपके सामने आपका शॉप जल रहा है, आपकी दुकान पे आग लगी, आपके घर पे आग लगी, तो बैठ नहीं जाना है, पानी की बकेट उठाओ और जितनी बकेट हो गए गिराओ, जितनी बकेट हो सके उस पे गिराओ, भले फायर ब्रिगेड मंगाओ, फायर एक्सटिंग्विशर्स मंगाओ, कुछ भी करो, नुकसान को कम में कम करो. ये नहीं सोचो कि भले नुकसान हो जाए कंपनी वाले तो भर के ही देंगे ना, उनका बुरा मत चाहो, उनका अच्छा चाहो. उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस. आग लग रही है तो बैठ के देखो नहीं, उसे पानी की बकेट भर के बुझाओ, फायर एक्सटिंग्विशर से बुझाओ, भले फायर ब्रिगेड मंगाओ, कुछ ना कुछ करो. कोशिश करने पे, प्रूफ मिलने पे दुनिया से पूछेंगे, आपके कंपनी वाले दुनिया से पूछेंगे इसने मेहनत की थी या बैठ गया था ऐसे ही, या बैठ गए थे घर जल रहा था पर तभी भी खुश हो रहे थे ना, आपने बहुत मेहनत की, आपने आग बुझाने की कोशिश की, आपने पूरी फायर ब्रिगेड मंगाई, पूरी यानी कि 1 नहीं 2 4 मंगाई, तभी भी वो चीज नहीं बच सकी, प्रॉपर्टी नहीं बची, घर नहीं बचा, दुकान नहीं बचा. इसके बाद आपको क्लेम इजीली दिया जाएगा क्योंकि आपकी नीयत साफ थी और आपने चाहा कि जितना नुकसान कम हो सके उतना अच्छा. अंडर दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट ऑलवेज ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस. लॉस को कम में कम करो. Has insured the property, जो उसने property insured कराई है, in case of the uncertain events like fire outbreak, आग लग गई, blast, कोई blast हो गया, etc. The insured must take all the possible measures and necessary steps to control and reduce the losses. आपको पूरी की पूरी कोशिश करनी है कि जितना हो सके नुकसान कम में कम हो, कम में कम. The insured must not neglect. Neglect नहीं करना, बैठ नहीं जाना, चाय पी के सामने बैठ कर चाय पीना और नुकसान, आप घर में पूरा आग लग चुकी है, ऐसे नहीं करना. And behave the irresponsible during such events just because of the property and avoid the further losses. ऐसे निगलेंस नहीं करो और आप प्रॉपर्टी को लॉस होने से अवॉइड करो या कम से कम रिड्यूस करो. नेक्स्ट की अगर बात करूं, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ द कॉज या प्रॉक्सिमा. कॉज या प्रॉक्सिमा यानी नियरेस्ट कॉज, नियरेस्ट. देखो बेटा, एक शिप कंप्लीटली मैंगो से लोडेड है, लोडेड यानी मैंगो से बड़ी हुई है. वो शिप उस पोर्ट से, उस सी पोर्ट से 3 नवंबर को निकलने वाली है, 3 नवंबर को डिस्पैच होने वाली है. 3 नवंबर की जगह शिप को दूसरी कंट्री में जाते जाते 3 डेज लेट हो चुकी है, यानी जो शिप 3 नवंबर को इंडिया से लेके अमेरिका जाने वाली है वो शिप 3 नवंबर की जगह 3 दिन लेट हो चुकी है, और वो शिप स्टार्ट हो रही है 6 नवंबर को, यानी 3 दिन तक वो मैंगो सर रहे हैं, 3 दिन तक वो मैंगोस की केयर नहीं की. आफ्टर दिस, इसके बाद जब वो शिप 6 नवंबर से आ रही है ना इंडिया से लेके अमेरिका सी रूट के थ्रू, तो उस शिप का कोलिजन यानी एक्सीडेंट हो जा रहा है दूसरी शिप के साथ. अब बेटा चांसेस दो, या तो जो करोड़ों के मैंगोस थे वो पूरे जल के राख हो गए, सत्यानाश हो गई उसकी, दो चांसेस है. या तो आपने 3 दिन शिप को बेचने में लेट किए, शिप 3 नवंबर जाने वाली थी वो 6 नवंबर गई, वो 7 नवंबर गई, या तो आपने ये गलती की है, या तो आपके टक्कर की वजह से, आपके कोलिजन की वजह से, आपके एक्सीडेंट की वजह से वो मैंगोस पूरे बर्बाद हो गए. अब दोनों में से
ज्यादा में ज्यादा करीब होगा। दोनों में से जो नुकसान के चांसेस ज्यादा होंगे उस पे क्लेम दिया जाएगा, पैसे भर के उस पे दिए जाएंगे। उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉजिया प्रॉक्सिमा। या तो लेट किया आपने वन वीक, फाइव डेज, जितना भी, उसके वजह से मैंगोस रोटेन हो गए, जल गए पूरे, या तो आपने एक्सीडेंट की वजह से, आपके कोलिजन की वजह से नुकसान हुआ और उसके वजह से कंपनी क्लेम भर के दे। रीड कर रहा हूं प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉजिया प्रॉक्सिमा मींस लॉस इज कॉस्ट बाय मोर देन वन कॉसेस। या तो एक्सीडेंट या तो आपकी वो लेट। द प्रॉक्सिमेट यानी कि ढूंढो उसे, नियर में नियर अंदाजा लगाओ कि ज्यादा नुकसान किसके वजह से। शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड द लायबिलिटी ऑफ द इंश्योरर। जब तक रीजन नहीं पता चला ना, तब तक कंपनी क्लेम नहीं पास करेगी। आगे द प्रॉपर्टी मे बी इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉसेस एंड नॉट अगेंस्ट द ऑल कॉसेस। देखो दोनों बातों की वजह से रीजन नहीं हो सकता। दोनों के वजह से रीजन हो वो बात ही चेंज हो जाएगी। कोई एक रीजन पक्का होना चाहिए, पक्का। अगर आपकी शिप इंश्योर्ड है कोलिजन से, एक्सीडेंट से, और आपका रीजन भी एक्सीडेंट का निकल रहा है, तो आपको क्लेम पास होके मिलेगा। अगर आपकी पॉलिसी इंश्योर्ड है कि मैंगोस रोटेन ना हो जाए, मैंगोस सर ना जाए, तो कोलिजन को छोड़ के रोटेन ऑफ मैंगोस की वजह से आपका क्लेम पास किया जाएगा। दोनों में से जो लॉस एक्चुअली होगा उसे टर्म्स एंड कंडीशन से देखा जाएगा और उस बेसिस पे क्लेम दिया जाएगा। द प्रॉपर्टी मे बी इंश्योर्ड अगेंस्ट द सम कॉसेस नॉट द ऑल कॉसेस। इन सच इंस्टेंस प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ द लॉस टू बी फाउंड। नियर कॉज ढूंढो, नियर नुकसान कौन सा है। If the proximate यानी कि near cause is the one which is insured against collision का guarantee दी गई थी कि अगर ship तफरे की वजह से, अगर ship टक्कर की वजह से, इसकी वजह से नुकसान हुआ, collision यानी कि टक्कर की वजह से नुकसान हुआ, तो आपको claim भर के देंगे और आपका cause, आपका वो reason निकल रहा भी collision का है, तो 100% आपको claim पक्का मिलेगा, पक्का। लिखा हुआ है द वन विच इज इंश्योर्ड अगेंस्ट कोलिजन। एग्जाम्पल द इंश्योरेंस कंपनी इज बाउंड टू पे द कॉम्पेंसेशन एंड वाइस वर्सा। अगर कोलिजन का रीजन नहीं निकला और आपकी गारंटी, आपकी शिप का एग्रीमेंट कोलिजन में था और आपके मैंगोस लेट की वजह से सर गए, लेट डिस्पैच होने की वजह से, तो फिर आपको क्लेम नहीं मिलेगा। देखिए बेटा 7 points। देखिए आज का लेक्चर एक्चुअली लेंदी था, इट्स मच लेंदी, और डिटेल में समझाना मुझसे जितना होगा मैंने डीप में समझाया आपको। देखो नंबर वन, फर्स्ट पॉइंट की अगर बेटा बात करूँ ना, तो पहले तो एक्चुअली डेफिनेशन है, पर पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर वन, प्रिंसिपल्स ऑफ द आउट मोस्ट गुड फेथ। विश्वास रखो, झूठ नहीं बताओ। राम ने झूठ बताया, राम की गलती थी। नेक्स्ट की बात करें, प्रिंसिपल्स ऑफ द इंश्योरेबल इंटरेस्ट। हाँ इंटरेस्ट है, हमें अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट है, वो बच्चे को पेंशन में इंटरेस्ट है, वो बच्चे को पेन में इंटरेस्ट है, तो क्या हमें अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में इंटरेस्ट नहीं हो सकता। पैसे बात की बात है, नाम बात की बात है, हेल्थ और जिंदगी एकदम कीमती और अनमोल चीज है। आगे थर्ड की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। भर के देंगे आपको पूरा स्टॉक, भर के देंगे पूरे गुड्स, भर के देंगे या तो उनकी रकम भर के देंगे, बट आपकी जिंदगी को मौत से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की कोई कीमत नहीं होती, जिंदगी अनमोल होती है। आगे नेक्स्ट फोर्थ, प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन। 2.5 करोड़ ए कंपनी, 2.5 करोड़ बी कंपनी, 2.5 करोड़ सी कंपनी, 2.5 करोड़ डी कंपनी। आगे फिफ्थ वन, प्रिंसिपल्स ऑफ द सबरोगेशन। वो पूरी डैमेज्ड कार कंप्लीटली खुद ले लेंगे और आपको पैसे भर के देंगे। आगे प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ द लॉस। जितना हो सके लॉस को कम करो। चाय नहीं पियो बैठ के, चाय पी रहे भली घर जले, चाय पी रहे बैठ के भली दुकान जले, सब कुछ जल जाएगा, क्लेम नहीं मिलेगा, चाय का प्रूफ आ जाएगा, अभी चाय पी रहे थे, कोशिश नहीं की इन्होंने। आगे लास्ट सेवेंथ वन, प्रिंसिपल ऑफ द कॉजिया प्रॉक्सिमा। नियरेस्ट कॉज, नियरेस्ट।
लास्ट कोट ऑफ द डे बेटा, कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, आपको महान बनने की जरूरत नहीं है, और महान बनने के बाद आप शुरुआत करोगे, यू हैव टू स्टार्ट टू बी अ ग्रेट, आपको शुरुआत करनी होगी महान बनने के लिए। देखिए, महान तो महात्मा गांधी जी भी नहीं थे, अपने जन्म के टाइम पे, जन्म के बाद संघर्ष से उन्हें महात्मा कहा गया। महान तो अमिताभ बच्चन भी नहीं थे, पर संघर्ष के टाइम से अपनी स्ट्रगलिंग के लाइफ के बाद उन्हें श्री अमिताभ बच्चन कहा गया। महान तो वो आदमी भी नहीं होता है जो सुबह नींद से उठता है ना, आंखें बंद होती है, दिखता नहीं है बरोबर, पूरा दिन कैसे गुजरेगा, पर जब स्ट्रगलिंग लाइफ स्टार्ट होती है, वो एम्बिशन माइंड में आ जाता है, उसके बाद पूरा दिन हम चलाते हैं, दिन हमें नहीं चलाता। महान तो बिल गेट्स भी नहीं था, अपने जन्म के टाइम पे उनकी माता जी को भी नहीं पता होगा दैट ही विल बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, बट इट्स टुडे, आज तक, आज वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है, पर कंटिन्यू कई सालों तक वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन थे। देखिए, लेजेंड्स आर नॉट इन बॉर्न इन द मैटरनिटी वार्ड, बेटा मैटरनिटी वार्ड में जहां पे वो छोटा बच्चा जन्म लेते हैं ना, न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी को आप लेजेंड नहीं कह सकते, उसकी मेहनत के बाद, उसके एम्बिशन के बाद, उसके सपनों के बाद, भले कितनी भी तकलीफें हैं, सारी तकलीफों को चीर के वो लेजेंड बनता है। लेजेंड्स आर नॉट बॉर्न इन द मैटरनिटी वार्ड, थप्पा नहीं लगा होता है उन पे कि आगे चल के अमीर आदमी बनेगा, आगे चल के सक्सेसफुल आदमी बनेगा। क्वाइट पॉसिबल बेटा, क्वाइट पॉसिबल, महान आप भी नहीं हो, आपको भी नहीं पता, पर क्या पता कि 12th में फर्स्ट रैंक आ पाओ, 11th में फर्स्ट रैंक आ पाओ, TY BCom में फर्स्ट रैंक आ पाओ। यस, यू डोंट हैव टू बिकम अ ग्रेट टू बी स्टार्ट, महान बन के शुरुआत करो, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी अ ग्रेट। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।